पहले वजीर मम्लिकत बराए दाखिली उमूर जी किशन रेड्डी ने मौत की सजा खत्म करने वाले बिल 2016 पर हुई बहस में हिस्सा लिया और कहा है कि हुकूमत की फांसी की सजा को खत्म करने पर गौर कर रही है। किशन रेड्डी ने कहा कि मुल्क में फांसी की सजा खत्म करने पर गौर खोज चल रहा है, लेकिन हालिया माहौल में उसे खत्म करना सही नहीं होगा और मुनासिब वक्त पर इस सिलसिले में फैसला लिया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि लॉ कमीशन ने साल 2015 में अपनी रिपोर्ट में कुछ मामलों को छोड़कर दीगर मामलों में फांसी की सजा खत्म किए जाने की सिफारिश की है और ये मामला जामे फहरिस्त में होने की वजह से इस पर रियासतों की राय लेना भी जरूरी समझा जाता है। मृत्यु दंड समाप्त करने का मांग किया गया। मृत्युदंड के में इम्प्रिजनमेंट में आजीवन कारावास उसके जगह लाने के लिए प्रस्ताव में जोड़ा है। आज देश में आईपीसी सेक्शन 53 द्वारा अलग अलग विभिन्न प्रकार का पनिशमेंट अपराधियों को न्यायस्थान के द्वारा दिया जाता है, जिनमें मृत्युदंड एक है। आजीवन कारावास में साधारण कारावास या जुर्माना सम्मिलित भी है। आदरणीय वाइस चेयरमैन महोदय, मैं बिसाइड्स आईपीसी देर आर अदर लॉस लाइक नार्कोटिक ड्रग्स साइकोट्रॉफिक सब्सटेंस एक्ट 1985, एनडीपीसी एक्ट एंड आर्मी एक्ट 1950 द्वारा भी भारत के अंदर न्यायस्थान के द्वारा मृत्युदंड देने का प्रावधान है। मगर आदरणीय संसद महोदय, आईपीसी के द्वारा कैपिटल पनिशमेंट का विषय पर ही प्राइवेट मेंबर